नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। आज यानी कि 17 फरवरी से बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस परीक्षा शुरू होने के साथ ही एक और खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी कि बिहार के बोर्ड वाली जो मैट्रिक परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र वायरल हो गए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो परीक्षा चल रही है उस दौरान जिलाधिकारी से खुद मीडिया कर्मियों ने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के डीएम। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है, 61 जगह पर मुजफ्फरपुर में ये मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है। अधिकांश सेंटर्स लड़कियों के लिए 4 मॉडल केंद्र भी बनाए गए हैं, 2 और सेंटर्स का निरीक्षण करके आ रहे हैं। पीसफुल तरीके से परीक्षा चल रही है, अपेक्षा करते हैं। काफ़ी अभिभावक काफ़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक जैम की शिकायत सुबह प्राप्त हुई थी। पीछे ट्रैफिक DSP से बात हुई भी है। अभी सबसे कठिन समय अभी जो ट्रांजिशन फेज होगा उसका होगा, जहाँ से बच्चे निकलेंगे और नए बच्चे जो आना होगा भीड़ काफ़ी बढ़ेगी। 5-6 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया जहाँ पर विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता हो, इस रूट पर भी और मोती झील फ्लाईओवर के पास और सर्किट हाउस वाले रोड में, इन सारे जगहों पर ट्रैफिक को और दुरुस्त करने की आवश्यकता होगी। कई लोगों ने पार्किंग कर ली है गाड़ियों की, जिसके कारण ट्रैफिक की शर्मराई जैसी लग रही है। हम लोग अपेक्षा करते हैं ठीक हो जाएगी, ट्रैफिक DSP को बोल दिया है। सर, सुबह से व्हाट्सएप ग्रुप में एक वायरल हो रहा था क्वेश्चन पेपर वायरल होने का, उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक हुई नहीं है और मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगा कि बच्चे बच्चियाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, अपनी तैयारी करके आए हैं। एक वर्ष का समय लोगों का लगता है इसकी तैयारी करने के लिए, तो परीक्षा दें और निश्चिंत रहें और अगर उसकी कोई भी जानकारी होती है तो उसको आधिकारिक तौर से बताया जाए। कई बार इस तरह की बातें जो अफवाह बाद में प्रचलित होती है, लेकिन इसके कारण लोगों में काफ़ी असर तफरी हो जाती है और ख़ासकर क्योंकि अभिभावक जो है बच्चों से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो उनमें एक असंतोष सा लगने लगता है, इसके कारण विधि व्यवस्था भी कभी कभी प्रभावित हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि सबको सूचना जिला प्रशासन की ओर से DSP की तरफ आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है और अगर ये किसी प्रकार की अनियमितता पाई भी जाती है आधिकारिक पुष्टि इसकी होती है तो उसके नाम से कोई समझ कार्रवाई होगी। सर, कोई अफवाह जो फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और भी एक प्रश्न पत्र का मुख्य दृष्टि किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचारित किया था, हम लोगों ने पता कराया तो उस तरह की कोई सीरीज जो है ही नहीं हुआ प्रेस के लिए। तो एक असामाजिक तत्वों द्वारा एक प्रयास है उसको इनिशिएट करने का, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा देनी चाहिए और यदि कुछ ऐसी बात आती भी है तो उस पर DSP आपसे संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। तो आपने सुन लिया, आलोक रंजन घोष थे मुजफ्फरपुर के DM हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जिसमें कहा जाए कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन मैट्रिक परीक्षा विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने की बात सामने आई, हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में जिले के सभी अधिकारियों को प्रश्न पत्र के बारकोड को मिलाया गया। पूरे मामले पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि वायरल प्रश्न पत्र के ताल्लुक से कोई भी बात सामने नहीं है, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई जरूर करेगा। तो मुजफ्फरपुर में जो क्वेश्चन वायरल होने की बात सामने आई थी कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि DM खुद सामने आकर बोल चुके हैं। आलोक रंजन घोष हैं मुजफ्फरपुर के DM, उन्होंने कह दिया कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा चल रही है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।